हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे SPF के बारे में बात करने वाला हूं, जो सनस्क्रीन लोशन में लिखा होता है SPF 15, SPF 30, SPF 50। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको SPF के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आसू और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि SPF बताता है कि ये सन की हार्मफुल यूवी रे से हमें किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, SPF के बारे में आगे बात करने से पहले मैं शॉर्ट में यूवी रे के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सन रेज में विजिबल लाइट के साथ साथ यूवी रेज भी आती हैं, जो खतरनाक होती है। तो यूवी रेज तीन टाइप्स की होती है, UVA, UVB और UVC। तो दोस्तों, UVC जो सबसे हार्मफुल यूवी रे है, जिससे स्किन कैंसर होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। बट फॉर्चुनेटली ये ओजोन लेयर तक ही रुक जाती है, वहाँ ये एब्जॉर्ब हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारे अर्थ तक नहीं आती है। और UVB रे उससे कम डेंजरस होती है, बट फिर भी स्किन कैंसर का चांसेस है और स्किन बर्निंग भी होती है। ये भी कुछ ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट कुछ हमारे अर्थ तक भी आती है। और UVA रे सबसे कम डेंजरस यूवी रे है और ये भी हमारे अर्थ तक आती है। तो दोस्तों, SPF UVB रे से प्रोटेक्शन को डिनोट करता है, बट UVA रे के बारे में कुछ नहीं बताता है। बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF में ये UVA रे से भी प्रोटेक्शन दिखाता है। तो SPF का सिंपल फॉर्मूला है, आपकी स्किन कितने देर में बर्न होना स्टार्ट हो जाती है सनस्क्रीन के साथ, डिवाइडेड बाय आपकी स्किन कितने देर में बर्न होना स्टार्ट हो जाती है बिना सनस्क्रीन के। तो यहाँ अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर आप बिना सनस्क्रीन के बाहर रहते हैं 10 मिनट और उसके बाद आपकी स्किन बर्न होना, रेड होना स्टार्ट हो जाती है, तो SPF 15 इससे 15 टाइम्स ज़्यादा, मीन्स 150 मिनट तक आपको स्किन को सन बर्न से रोक सकती है। बट दोस्तों, ये एक एस्टिमेटेड टाइम है, इससे आपको मिसगाइड भी किया जा सकता है, क्योंकि सनस्क्रीन नॉर्मली 2 घंटे बाद अपना असर खोने लगती है और इसके बाद आपको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, SPF का रियल मीनिंग है कि कितने परसेंट यूवी रे को ये अब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट कर देगी आपकी स्किन में जाने से पहले। तो दोस्तों, SPF 15 का मतलब है 93% यूवी रे से आपको प्रोटेक्शन देगी, और SPF 30 का मतलब है 97% यूवी रे से आपको प्रोटेक्शन देगी, और SPF 50 का मतलब है 98% यूवी रे से आपको प्रोटेक्शन देगी। तो अगर इसे सिंपली समझें तो मान लें कि 100 फोटोन है। दोस्तों, लाइट पैकेट्स के फॉर्म में आती है, उसे फोटोन कहते हैं। तो 100 फोटोन में से SPF 15 93 फोटोन से आपकी स्किन को बचाएगा, तो वहीं SPF 30 97 फोटोन से आपको बचाएगा, और SPF 50 98 फोटोन से आपको प्रोटेक्शन देगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि SPF डबल होने से प्रोटेक्शन डबल नहीं हो रहा। SPF 15 से SPF 30 में सिर्फ 4% ही इंक्रीज़ हुआ, और SPF 30 से 50 में तो सिर्फ 1% का इंक्रीज़ हुआ। तो दोस्तों, SPF 50 से ऊपर SPF 60, 70, 100 तो बस दिखाने को ज़्यादा लगता है, प्रोटेक्शन बहुत ही निग्लिजिबल बढ़ती है। तो SPF 50 और SPF 100 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। अगर आप ज़्यादा SPF के चक्कर में जाएंगे तो आपके पैसे की बर्बादी ही होगी। तो दोस्तों, SPF 30 सबसे बेस्ट है, 97% प्रोटेक्शन है, और आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 लें तो आपको UVA रे की भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और दोस्तों, इसे हर 2 घंटे में इसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पसीना, पानी वगैरह, तो इसका असर कम होने लगता है। तो दोस्तों, यही थी SPF की कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेके आता रह सकूँ। तो आज के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।